स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन और रोज की तरह आज भी आए हूँ आप लोगों के लिए कुछ एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। तो चलते हैं, पहले हेडलाइन देखते हैं। पहला है ओल्ड पेंशन स्कीम, इसमें क्या अपडेट है इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा है एक 5G मोबाइल है जो रोज की तरह मैं लेके आता हूँ, एक आपके लिए बेहतरीन इन्फिनिक्स का मोबाइल लेके आया हूँ, इसका पूरा डिटेल्स जानेंगे। और आखिर में है ये एक जॉब है, सरकारी नौकरी है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम से। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन दबाएं। और दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम पे एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें कि राजस्थान, पंजाब और झारखंड ये कुछ राज्य हैं जिन्होंने कि इसे लागू कर दिया है। अब इस पर क्या बवाल है, क्या बात है, इस पर बात करते हैं। नीति आयोग की आपत्ति के बाद इन राज्यों में बंद होगी पुरानी पेंशन, ये सवालिया निशान लग गया है नीति आयोग ने। इस पर कुछ टिप्पणी किया है, उसके बारे में जानते हैं। टेंशन में है कर्मचारी, तो क्या बात है। केंद्र की तरफ से यदि पैसा नहीं दिया जाता तो राज्य पर खर्च होने वाली रकम कहाँ से लाएगी। तो मेन मुद्दा पैसे की है, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती नहीं है, इसमें सीधा सीधा है, डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता। पर नीति आयोग या जितने भी ऐसी एजेंसी है, CBI, नीति आयोग, ED, ये सब तो केंद्र सरकार के अंदर आती है। और केंद्र सरकार कहने को तो ये सारे इंडिपेंडेंट एजेंसी है, पर ये केंद्र सरकार के सारे पे ही काम करती है, ये सब जानते हैं। तो इसमें क्या न्यूज है देखते हैं। अलग अलग राज्यों के सरकारी कर्मचारी की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान की गहलोत सरकार के बाद पुरानी पेंशन योजना को पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे लागू कर दिया है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं रही है। हाल में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कुछ राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना के फिर से शुरू करने पर चिंता जताई। नीति आयोग ने इस पर चिंता जताया है, मतलब अभी डायरेक्ट रोक नहीं लगाया है, रोक तो लगा नहीं सकता क्योंकि ये अपना राज्य का अलग मुद्दा है। इस राज्य सरकार के पास पावर होता है, वो कुछ कर अपना इस तरीके का कुछ बिल पास करके इस पर किया जा सकता है, लेकिन मेन मुद्दा पैसे का है। नीति आयोग ने इस पर एक तरीके से अड़ंगा लगा दिया है। अब इसमें क्या होना है, भविष्य के टैक्स पेयर पर बोझ पड़ेगा। तो सीधा सीधा इन्होंने बता दिया है कि अगर राज्य सरकार इस तरीके से पुराना पेंशन योजना बहाल करती है तो हम टैक्स बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, ये इनका सीधा सा कहना है। भविष्य के टैक्स पेयर पर पड़ेगा बोझ, नीति आयोग की तरफ से उठाए गए आपत्तियों को संबंधित राज्यों को भेजा जा रहा है। ऐसे में यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से यदि पैसा नहीं दिया जाता तो इस राज्य पर खर्च होने वाली रकम कहाँ से लाएगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बेरी ने तो साफ कहा कि राज्य सरकारों की तरफ से उठाए गए कदम भविष्य के टैक्स पेयर पर बोझ पड़ेगा। बोझ तो पड़ेगा टैक्स पेयर पर, क्योंकि इतना इतना पैसा जाएगा, बोझ तो पड़ेगा। पर पेंशन भी जरूरी है, क्योंकि जो नौकरी से रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उनको अगर पेंशन नहीं है, पेंशन रहता है तो उनके बच्चे भी उनके देखभाल अच्छे से करते हैं। ये तो एक सोशल सिक्योरिटी का मामला है और ये एक सच्चाई है हमारे समाज की। तो इसके बारे में और क्या कहना, तो पुराना पेंशन योजना बहाल तो होना ही चाहिए, इसको सरकार मैनेज करे तो बेहतर है, केंद्र और राज्य दोनों मिलके। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ एक, जैसा कि मैंने बताया कि एक फ़ोन लाया मैंने आज, ये है इन्फिनिक्स का फ़ोन, 5G स्मार्टफोन है। इसमें देखते हैं ये 12,000 रुपये के अंदर का ये फ़ोन है, देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है फ़ोन का। आपको ये पहला फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ, भारत में ये लॉन्च हो गया है, भारत में इन्फिनिक्स हॉट 20 5G, इसका मॉडल नंबर है इन्फिनिक्स हॉट 20 5G, की कीमत सिर्फ 11,999 है। तो फ़ोन देख रहे हैं कितना लाजवाब, स्लिम और मतलब दिखने में प्रीमियम सा लग रहा है। और इसमें आप देख पाएंगे 4GB प्लस 64GB वेरिएंट में पेश किया गया है। तो ये 4 और 64GB का कम्बिनेशन जो है उसी में पेश किया गया है, सॉरी। और अगर आगे की बात करें इसमें तो 6 इंच का डिस्प्ले है, और उसके बाद आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा जो कि शानदार है। आप छोटे मोटे गेम भी इस मोबाइल में खेल सकते हैं, बड़े गेम के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन छोटे गेम आप खेल सकते हैं इसमें। उसके बाद इसका और अगर बात करें तो इसमें 5G का कनेक्टिविटी है, 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी
कैमरा मिल जाएगा, और इसमें सेल्फी कैमरा कितने का है वो शायद यहाँ दिख गया होगा नीचे। और इसमें 18 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग, तो 18 वाट कोई फास्ट चार्जिंग होता नहीं है दोस्तों, तो ये एक नॉर्मल चार्जर ही है, और पहले से थोड़ा सा बढ़ाया गया है क्योंकि 10 वाट का रहता था, 8 वाट इसमें एक्स्ट्रा किया गया है, तो थोड़ा सा फास्ट होगा चार्जिंग आपका। 5000 mAh का बड़ा बैटरी है जो कि इन्फिनिक्स हमेशा बड़ा बैटरी ही देता है, इसमें थोड़ा कम है पर 6000 mAh तक बैटरी देती है इन्फिनिक्स। और ये अब 3 दिन तक फ़ोन चलेगी आपको, स्टैंड बाय में अगर आप रखेंगे तो 3 दिन, वैसे आजकल कोई भी स्मार्टफोन हो 1 दिन तो चल ही जाता है। बाकी चीज़ों की बात करें तो इन्फिनिक्स हॉट 25G में आप देख पाएंगे कि इसमें 3.5 mm का मिनी जो ये रहता है ईयरफोन के लिए वो, और 5G बैंड पे काम करता है, 3 GB का एक्सपेंडेबल रैम भी मिलेगा आपको। तो इसमें एक वर्चुअल रैम का फंक्शन आता है जो कि आप इसके बारे में उसको भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फ़ोन कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट कीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये इसका ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, बहुत स्लिम और बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है, इस पर विचार कीजिएगा क्योंकि 5G आने वाला है तो आप लोगों को फ़ोन तो स्विच करना ही पड़ेगा। नंबर याद रखिए, 5G का ये है इन्फिनिक्स हॉट 20। तो चलते हैं आखिरी न्यूज़ पे, आखिरी है ये एक जॉब से, सरकारी नौकरी से रिलेटेड है। 12वीं पास के लिए इन पदों पर निकली सरकारी नौकरी, आयु सीमा 42 साल तक। तो ये कहाँ का है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर, वेबसाइट दिया हुआ है यहाँ पे, इस पे जाके चेक कर पाएंगे आप। जूनियर असिस्टेंट JA पदों पर आवेदन मांगे हैं, 12वीं क्लास पास कैंडिडेट इस पदों पर आवेदन करने के पात्र हैं। तो 12वीं पास अगर आप हैं तो आवेदन कीजिए, और इसका 30 नवंबर से शुरू हुआ है ये, और आखिरी तारीख 20 दिसंबर है, तो अच्छा खासा टाइम है अभी आपके पास 20 दिन का। और इसमें कुल 445 वैकेंसी है जो कि भर्ती के माध्यम से होगी, और इसमें जूनियर असिस्टेंट के 2022 के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है, तो आप जाके नोटिफिकेशन देख लीजिए UKPSC.net.in पर, और इसको स्क्रीनशॉट करके आप ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो 12वीं पास में बता ही चुका हूँ, न्यूनतम एज की बात करें तो 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष आपका हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हाउ टू अप्लाई, तो जैसा मैंने बता ही चुका हूँ कि आप वेबसाइट पे जाइए और अप्लाई कीजिए, अगर आप खुद से नहीं करना आता तो आप अपने किसी विशेषज्ञ से जाके करवाइए बगल में साइबर कैफे में। और अगर आवेदन फीस की बात करें तो ये 176 रुपये है, उत्तराखंड की EWS कैटेगरी में भी सेम उतना ही लगेगा, और SC ST के लिए कैटेगरी के लिए आप देख पाएंगे नीचे कम है, 86 रुपये करीब करीब। तो आवेदन फीस भी इतना कुछ खास नहीं है, आप जाइए इस वेबसाइट पे पहले नोटिफिकेशन चेक कीजिए क्या क्या वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन दबाइए। मिलते हैं कल के वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।